टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने पेट्रोल व डीजल की कीमतों में लगातार इजाफे पर मोदी हुकूमत पर की नुक्ताचीनी, अच्छे दिनों के लिए वजीर आजम से इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना अखिलती मालियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के सदर नशीन ने आज अपना ओहदा संभाल लिया, हुकूमत की स्कीमत अवाम तक पहुंचाने का तयकुन दिलाया। तेलंगाना भर में गर्मी की शिद्दत में मजीद होगा इजाफा, महकमे मौसमियात ने 6 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी। महकमे सेहत के हुकाम ने अवाम को बढ़ते दर्ज हरारत के पेश नजर 12 बजे से 4 बजे तक घरों में रहने का दिया मशवरा। हैदराबाद नारकोटिक एनफोर्समेंट विंग ने जुबली हिल्स और नल्लाकुंडा पुलिस के साथ की मुश्तरका कार्रवाई, मंशियात की खरीदो फरोख्त में मुलाविस 2 अफराद और मंशियात इस्तेमाल करने वाले 4 अफराद को किया गिरफ्तार। हैश ऑयल, LSD ब्लॉट्स, DMT, मोबाइल फोन्स व दीगर अशिया की जब्त। कर्नाटक के मैसूर के बीजेपी MLC AH विश्वनाथ ने रियासत में मुसलमानों के साथ किए जा रहे सुलूक पर उठाई आवाज, मनादिर के त्योहारों के मौके पर मुस्लिम दुकानदारों पर आयद की गई पाबंदी को पागलपन बताया। कांग्रेस की उभरी सदस्य सोनिया गांधी ने मुनिरगा को कमजोर करने का मरकजी हुकूमत पर लगाया इल्जाम, मुनिरगा के बजट में इजाफा करने का हुकूमत से किया मुतालबा। रियासत कर्नाटक में हलाल मसनूआत पर पाबंदी आयद करने के मुतालबे में शिद्दत के पेश नजर वजीर आला कर्नाटक बोमई ने इस मसले का जायजा लेने के बाद मौकफ वाजह करने की कही बात। और रूस और यूक्रेन के तनाजे पर अमरीकी सदर जो बाइडन और यूक्रेनी सदर के दरमियान टेलीफोन पर हुई 1 घंटा बातचीत, जो बाइडन ने यूक्रेन को $50 करोड़ इमदाद देने का किया ऐलान।